पीएम मोदी ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे उपस्थित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल बीजेपी को सलाह, केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर न रहकर अपने दम पर लड़े चुनाव। चिटफंड मामले में जिस आईपीएस के घर पर सीबीआई ने मारी थी रेड, सीएम ममता बनर्जी ने उसे बनाया बंगाल का डीजे। दिल्ली में मुख्य सचिव पर लगा दस्तावेज लीक करने का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री ने एलजी से किया शिकायत, चिट्ठी में लिखी कई बातें। मध्य प्रदेश में मस्जिदों से हटवाए जा रहे लाउड स्पीकर, मुस्लिम समाज ने एसपी और एडीएम से किया मुलाकात, आवेदन भी सौंपा। हर सैनिक हमारे परिवार के सदस्य के समान, कोई आपके ऊपर नजर डाले ये हमें पता ही बर्दाश्त नहीं, कश्मीर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत पाकिस्तान ने बातचीत से समाधान नहीं निकाला तो कश्मीर भी गाजा बन जाएगा, बोले फारूक अब्दुल्ला। पीएम हसीना ने स्मार्ट बांग्लादेश बनाने का किया दावा, चुनाव से पहले घोषणा पत्र में किए कई वादे। सभी मामलों में सक्षम है मोदी का भारत, पीओके घूम ले फारूक अब्दुल्ला, बोले गिरिराज सिंह। 2024 के चुनाव में मिलेगा इंडिया गठबंधन को भारत न्याय यात्रा का परिणाम, झाबुमो प्रवक्ता बोले आम आदमी संघ जुड़े हैं राहुल गांधी। जिनके राज्य में 1984 के दंगे हुए वो क्या न्याय दिलाएंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कटाक्ष। माघ मेला को आगामी महाकुंभ के पूर्वाभ्यास के तौर पर ले, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बॉर्डर पर घुसपैठ का मूल कारण घुसखोरी, कड़े कानून से लगाना होगा लगाम, अश्विनी उपाध्याय ने रखी अपनी बात। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों में बिहार सरकार काफी गंभीर है, बोले डॉक्टर त्यागराजन एसएम। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगी सीएम ममता बनर्जी, पार्टी के नेता ने साफ किया स्थिति। राम मंदिर आंदोलन के दिग्गज प्रवीण तुगड़िया को न्योता नहीं, आंदोलनकारियों के लिए भारत रत्न की मांग। सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी सुबह सुबह पहलवानों से मिलने पहुंचे, अब क्या बड़ा दांव चल रही है कांग्रेस। बीजेडी सरकार पर बरसी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष बोले ओडिशा में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। सैम पित्रोदा बोले 2024 चुनाव देश के भविष्य के लिए अहम, कहा मंदिरों को मुख्य धारा में नहीं ला सकते। पूर्व मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी सलाह, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी को भाजपा से सांसद बना रखा है और अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर मानस की निंदा करने वाले दल अगली लोकसभा में लुप्त हो जाएंगे, बोले सुशील मोदी। जिनके लिए भारत 2014 के बाद बना वो लोग इतिहास नहीं जानते, राम मंदिर में शिवसेना के योगदान पर भड़के संजय राउत। राजौरी पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले शहीदों को बुलाया नहीं जा सकता, सरकार हर हाल में आपके साथ। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को केंद्र ने किया बैन, अमित शाह बोले मोदी सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट।